नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी जड़ी बूटी की चर्चा करने के लिए आए हैं जो संपूर्ण वात दोष, यानी वात दोष कहीं भी जोड़ों में दर्द हो, चाहे शोल्डर पेन हो, नी पेन हो, सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस हो, लंबर स्पोंडिलाइटिस हो, यानी कि वात दोषों में जो जड़ी बूटी सबसे ज़्यादा कारगर है उसी की चर्चा करने के लिए आज हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं, जिसे हम इंद्रायन बेल के नाम से जानते हैं, जिससे कोरोसिंथिस जैसी दवा बनती है। होम्योपैथी की कोरोसिंथिस दवा खास करके साइटिका पेन में 3 से 5 दिन में रिजल्ट आने शुरू होते हैं, यही वो इंद्रायन बेल है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इंद्रायन बेल, जिसे देहाती भाषा में गुडुम्बा, हमारे यहाँ हरियाणा में गुडुम्बा बोलते हैं, जिसके छोटे छोटे पीले, पहले कच्चे फल हरे रंग के होते हैं, फिर पीले कलर के हो जाते हैं, गेंद के आकार के। लेकिन मैं यहाँ पर आज इसकी जड़ की बात करना चाहूँगा। ये इतनी बड़ी जड़ लगभग 2 साल में तैयार होती है, छोटी जड़, इतनी पतली जड़ लगभग 1 साल में तैयार होती है, लेकिन ये कड़ी मशक्कत के बाद 4.5 घंटे जंगलों में घूम घूम करके ये जड़ें इकट्ठी करके लाया हूँ। आप इसके पत्ते देखिए, इंद्रायन बेल, जिसे हम हरियाणा में देहाती भाषा में गुडुम्बा बोलते हैं, गरमुंडा बोलते हैं, इससे होम्योपैथी की कोलोसिंथिस दवा बनती है, जो कि वात दोषों में, चाहे किसी भी तरह का अर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, ऑस्टियोफाइट हो, रूमेटाइड अर्थराइटिस हो, सभी में ये कारगर सिद्ध होती है। अब इसका प्रयोग कैसे करें, इसकी चर्चा हम करते हैं। ये जड़ आप अच्छे से देख लीजिए। एक खास बात यह है कि इस पौधे को, इस इतनी बड़ी जड़ को तैयार होने में 3 साल लगते हैं, यानी कि जो बीज हमने आज लगाया वो कम से कम 2 से 3 साल के बाद तैयार मिलेगी इतनी बड़ी जड़। अब ये लगभग 1/2 किलो जड़ है। अब इसको प्रयोग कैसे करना है, 2 लीटर तिल का तेल, 3 लीटर तिल का तेल, अच्छे से देख लीजिए, ये कच्ची घानी का होना चाहिए और अच्छी कंपनी का होना चाहिए। ध्यान रहे तिल का तेल शुद्ध हो। मार्केट में 100, 125, 150 रुपए लीटर तक के तिल तेल मिल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो असली होंगे। कच्ची घानी का किसी अच्छी ब्रांडेड कंपनी का कम से कम 200 से 250, 300, 450 रुपए लीटर तक आता है, यानी कि मैं जो तेल लेता हूँ वो तिलसार कंपनी के नाम से लेता हूँ, जो कि 250 रुपए लीटर आता है। 2 लीटर तिल का तेल ले लीजिए, उसमें 250 ग्राम इंद्रायन बेल की जड़ जो मैंने आपको दिखाई है वो डाल लीजिए, 250 ग्राम इंद्रायन बेल की जड़, इसकी जड़ को डालना है कूट करके, 50 ग्राम अजवाइन, 1/2 साबुत डालनी है बिना पिसी हुई, 100 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम काली उड़द की दाल, 100 ग्राम काली उड़द की दाल साबुत डालनी है, ये भी 20 ग्राम लहसुन, सॉरी 50 ग्राम लहसुन की कली,
कुटी हुई। अब इन अगर संभव हो तो अरंड के पत्तों का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे कलर थोड़ा सा चिपचिपा होता है, इसलिए वो नहीं डालना। इंद्रायन बेल की जड़ 250 ग्राम, 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम मेथी दाना साबुत, 100 ग्राम काली उड़द की दाल साबुत, 50 ग्राम लहसुन, 10 ग्राम लौंग जो चाय में डालते हैं, और 10 ग्राम काली मिर्च साबुत। ये दोनों भी साबुत डालनी है बिना पिसी हुई। अब करना कैसे, प्रयोग कैसे करना है। 2 लीटर तेल को एक कढ़ाई में डालेंगे, उसी समय ठंडे तेल में ही 250 ग्राम इंद्रायन बेल, इसको मोटा मोटा कूट लेंगे, इसको थोड़ा सा वो इसमें डाल देंगे। 50 ग्राम साबुत अजवाइन इसमें डाल देंगे तिल के तेल में, 100 ग्राम मेथी दाना साबुत वो भी इसमें डाल देंगे। सौ ग्राम काली उड़द की दाल वो भी इसमें बिना पिसी हुई डालनी है। लहसुन की कली मोटी कुटी हुई वो डालनी है। 10 ग्राम लौंग साबुत और 10 ग्राम काली मिर्च, इन सभी को डाल करके धीमी आग पर पकाएं। अब इसको तब तक पकाना है जब तक ये ब्राउन कलर यानी चॉकलेट जैसा कलर इस सारे सामान का ना हो जाए, तब तक इसको उबालते रहना है। इसके बाद में इसको ठंडा करके, इसको छान करके सीसी में डाल लेना है। चाहे घुटनों का दर्द हो, शोल्डर पेन हो, सर्वाइकल में पेन हो, हिप में पेन हो और एडी में दर्द हो, 10 से 15 दिन में रिजल्ट आते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी और रह गई जिसकी हम चर्चा करते हैं। इसमें डालना है 50 ग्राम सौंठ। सौंठ जिसे हम सूखी अदरक बोलते हैं या इंग्लिश भाषा में ड्राई जिंजर बोलते हैं। ड्राई जिंजर इसको मोटा मोटा कूट लेना है, ज्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है। ये भी डाल लेना है। जब पूरा सारा सामान चॉकलेट की तरह जल करके काला कलर ब्राउन कलर ना हो जाए, तब तक इसको आग पर पकाते रहना है, फिर इसको छान लेना है। इंद्रायन बेल हर जगह नहीं मिलती, राजस्थान हरियाणा में रेतीले टिबों पर मिलती है, वो भी काफी मशक्कत के बाद, क्योंकि फल तो काफी मिल जाते हैं सीजन पे, लेकिन जड़ मिलना दुर्लभ है। एक पौधे में एक ही जड़ मिलती है। इसके फल लगभग 40 से 50 फल लगते हैं एक बेल के ऊपर। अगर आपके पास, आप ये तेल बनाने में असमर्थ हैं, नहीं बनाते, रेडीमेड लेना चाहते हैं, तो हमारे पास ये ऑयल अवेलेबल रहता है। दुनिया का सबसे सस्ता, यानी कि आप किसी भी कंपनी का अगर ऑयल लेते हैं, कोई 280 रुपये का है 100 लीटर, कोई 380 का है, कोई 150 रुपये का है, कोई 250 रुपये का है, लेकिन हमारे यहाँ 50 ml की पैकिंग मात्र 40 रुपये यानी 40 रुपये की है। ये केवल जनसेवा के लिए है। 40 रुपये की 50 ml की सीसी और 100 ml की सीसी 80 रुपये की है। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9416939201। दोस्तों इसके रिजल्ट 8 से 7-8 दिन में शुरू होते हैं, और पूरे धैर्य के साथ अगर 1 महीने 1.5 महीने तेल की मालिश की जाए, तो चाहे गांठों जैसी सूजन हो यानी कि अर्थराइटिस की गांठें हो, रूमेटाइड अर्थराइटिस हो, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, सभी तरह, खाली सिर दर्द और पेट दर्द को छोड़ करके, यानी कि सभी ज्वाइंट पेन में ये कारगर है, तो आप इसे आजमा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।